ताबिश सरोज साहब। ताबिश साहब आपका बहुत नाम है इस फील्ड से अगर देखा जाए तो, फोरेंसिक साइंस, आज जामिया अंदर से आप जुड़े हैं। आप ये बताइए सर, इस कोर्स का फायदा जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स को ले सकते हैं और कौन सी क्लास के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए, इस कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो लॉ स्टूडेंट को है, मेडिकल स्टूडेंट्स को है, जो लोग फॉरेंसिक में हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह भी काम कर सकते हैं अगर उन्हें फॉरेंसिक की नॉलेज है। दूसरा, लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर वो कोई भी केस एक्यूज़ की तरफ से प्रेजेंट करते हैं या स्टेट की तरफ से प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर ये फॉरेंसिक की नॉलेज जो है उनको सबसे ज़्यादा फायदा देगी। सेकंड थिंग, इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि फिंगरप्रिंट्स के बारे में हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ बायोलॉजी के प्रैक्टिकल हैं, सीरोलॉजी है, सीमेन, सलाइवा, ब्लड और इनके सारे प्रैक्टिकल्स हैं। इस कोर्स की सबसे ख़ास बात यह है कि ये ऑफलाइन कोर्स है और इसके अंदर प्रैक्टिकल जो है आस्पेक्ट्स, वो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जा रही है। अभी ये कोर्स हमारा जामिया हमदर्द पे स्टार्ट हुआ है, अब हम इसकी काफ़ी जगह हमने इसकी ब्रांचेस खोली हैं और हम लोग बच्चों को बहुत कम जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, 2.5 लाख रुपए बड़ी यूनिवर्सिटियाँ लेती हैं, हमारा मकसद है कि उनके इतने पैसे खर्च ना हो, बहुत कम रीजनेबल अमाउंट में हमने फीस रखकर इसको कोर्स को स्टार्ट किया है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सारे ज़्यादातर उसके अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, FSL से हैं। आज हमारे साथ सर्वेश जी हैं जो कि बिहार स्टेट में CID डिपार्टमेंट में और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, फिंगरप्रिंट और बहुत सारी फॉरेंसिक फील्ड की एक्सपर्टीज़ हैं। आज हमने उन्हें अपने जामिया हमदर्द में इन्वाइट किया है, आज उन्होंने हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाए, सीक्रेट राइटिंग के एस्पेक्ट सिखाए और सारे प्रैक्टिकल जितने भी फिंगरप्रिंट्स के थे वो करवाए और हैंड राइटिंग के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे स्टूडेंट्स को बताएं जिससे कि उनको नॉलेज मिली। सर, ये कोर्स कितने मंथ का है आपका? ये हमारा कोर्स 3 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर हम सैटरडे में 5 to 6 आवर्स की क्लासेस लेते हैं ताकि जो बच्चे किसी और रेगुलर कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं वो भी इस कोर्स को अटेंड कर सकें। अब मैं गुफ्तगु करूँगा सर्वेश साहब से जो एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है और मैं और तो सबसे बड़ी बात बता दूँ अपने तमाम व्यूअर्स को सर्वेश साहब के लिए। सर्वेश साहब जो है वो CID के अधिकारी हैं, बिहार CID में है और बड़ा नाम है आपका, ट्रेनिंग देने में बहुत एक्सपर्ट है, हमने भी देखा जी साहब से आपका। मुझे सर, युवा इसको रोजगार की तरह अगर देखता है तो क्या स्कोप है सर उसका? देखिए, जितने भी अगर ये समाज हैं तो जैसे पुलिस की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वैसे क्राइम हो ही रहा है और बढ़ ही रहा है। पॉपुलेशन है तो क्राइम है, तो जब क्राइम है तो उसका इंस्पेक्शन के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत समाज में उतनी ही है, उसी रेशियो में है, उसी अनुपात में है। तो जाहिर सी बात है कि आजकल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं या TV सीरियल्स हैं, उन सबों के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। उसी कड़ी में एक प्रयास हम लोगों का है, एक हमें तवी जी ने इन्वाइट किया, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम इनोग्रेशन करवाया हुआ है, यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं, बच्चों को कम पैसा में शिक्षा मिल रही है, एक एक्सपर्टीज़ का, एक्सपर्ट ओपिनियन देने का इनको अधिकार प्राप्त होगा और जाहिर सी बात है कि आगे जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर्वेश जी आपसे यह है, मैं ये नर्सिंग फॉरेंसिक वर्ड जो है मैंने पहली बार सुना है, मेरे व्यूवर्स को बताइए नर्सिंग फॉरेंसिक क्या है ये? देखिए, फॉरेंसिक एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे न्याय की बात, एक प्लेटफॉर्म पे, फोरम लैटिन वर्ड है, उस पे फॉरेंसिक साइंस एट वन प्लेटफॉर्म जिसपे न्याय हो, तो उसके फॉरेंसिक किसी भी वर्ड किसी भी चीज के पीछे आप लगा दो एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स। फॉरेंसिक हेल्थ, फॉरेंसिक टेक्सटाइल्स, तो कंपनी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट आएंगे वो टेक्सटाइल्स कंपनी में काम करेंगे, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक नर्सिंग, फॉरेंसिक बैंकिंग, फॉरेंसिक फ्रॉड्स, इस तरह की चीज़ें बैंक में एज ए एक्सपर्ट वो हर एक फील्ड में काम कर सकते हैं। जितने भी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ साइंस टू और एडवांस बेसिक साइंस, एडवांस साइंस और टेक्निकल साइंस फॉर द जस्टिस टू असिस्ट द जुडिशियरी। तो फॉरेंसिक ऐड करने से हर तरह की फैक्ट्रीज और कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस में एज एक्सपर्ट वो काम कर सकते हैं। फॉरेंसिक नर्सिंग के बारे में आपने पूछा, तो फॉरेंसिक नर्सिंग उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, ANM है, GNM है। फॉरेंसिक नर्सिंग का काम क्या है, फॉरेंसिक नर्सिंग का काम क्या है हॉस्पिटल के अंदर? एक्चुअली होता क्या है,
कि हॉस्पिटल के अंदर जब किसी विक्टिम के साथ कोई रेप होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है या कोई ऐसी डेथ होती है जिसमें कोई मर्डर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो जब रेप के केस में सबसे पहले जो विक्टिम होती है उसको पुलिस लेकर जाती है हॉस्पिटल टू गेट मेडिकली एग्जामिन। जब उसका मेडिकल एग्जामिन होता है तो फॉरेंसिक नर्सेज उसको जो है मेंटली सपोर्ट देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होती है तो फॉरेंसिक नर्सेज जो होती है उसकी ट्रॉमा कम करते हैं और उनको एक आईयू के साथ पुलिस के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करने में मदद मिलती है फॉरेंसिक नर्सिंग, क्योंकि नर्सेज ज़्यादातर लॉ नहीं जानती। तो फॉरेंसिक नर्सिंग कोर्स में हम उन्हें बताते हैं कि कोई भी एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है, कैसे आप किसी भी विक्टिम को जो है हील कर सकती हैं, उसकी उसको अपने साथ ट्रस्ट में ले सकती हैं ताकि वो एक अच्छा सा बयान दे सके, और आईयू की मदद भी करती हैं फॉरेंसिक नर्सेज। तो फॉरेंसिक नर्सेज जो हैं वो एक ब्रिज का काम करती हैं पुलिस और कोर्ट के बीच में। थैंक यू सर।